आप देख सकते हैं वो वैली के थ्रू, हाँ जी तो वैली ये पूरा ऐसे पानी बहकर हाँ जी, इधर आ गया था। सपोर्ट देते रहेगा दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट होगा तो उसके थ्रू में मैं आप लोग को बोल सकूंगा कि ऐसा ऐसा करना है, क्या कर सकते हैं। तो वो सपोर्ट दिखाने के लिए आप लोग का लाइक शेयर और कमेंट शेयर दोस्तों, जिसके थ्रू से लगेगा कि हाँ आप लोग मेरे साथ में हो, और ऐसा कोई चीज़ आने पर हम एक दूसरे के साथ में बातें करके डिस्कस करके वहाँ पे क्या किया जा सके, उसमें कुछ हेल्प कर सकते कि नहीं, वैसा डिस्कस हो सकता है दोस्तों। जो आपको दिखा रहा हूं मैं इधर, हाँ जी ये फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड अच्छा, फ्लोर नहीं है। टेम्पररी फर्स्ट फ्लोर है ये। बेम्बू ब्रिज लगाया तो हाँ जी वो क्रॉस कर उधर से आपको कम से कम 2-2.5 घंटे इधर चुंगठांग आना पड़ेगा। कुछ 12 दिन पहले दोस्तों यहाँ सिक्किम में आया था बहुत बड़ा आपदा, और हम देखे उसे सिक्किम फ्लड्स बोलकर, आप लोग ने बहुत सारे वीडियोस देख पाए। ऐसे उस समय में कोई काम में नहीं आ पाया, कुछ कर नहीं पाया, अपने आप में बहुत ही एक जो घिन भावना है वैसा भी आता है मुझे कि ऐसे समय में मैं कुछ काम नहीं कर पाया। और हमारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे भैया है, जो भाई है, वो यहाँ पे अभी सपोर्ट कर रहे, वो लोग हेल्प कर रहे। तो वैसे ही यहाँ आज हमारे साथ में जो मेरे आवश्यकता है वो गए हुए हैं, ग्राउंड जीरो जो चुंगठांग है वहाँ पर है, वो वहाँ पे रिलीफ वर्क के लिए हेल्प कर रहे हैं। और अभी 12th डे है आज, और किस तरीके से वहाँ पे क्या हो चुका है, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या हो रहा है, कैसा सिचुएशन है, वो सब जानेंगे। एक कॉल किया था मैंने उनको वीडियो कॉल देखने के लिए, मेरे दिल में भी बहुत दुख है गाइस, वहाँ पे क्या हो रखा है सोचते रहता हूँ हर एक वक्त, और स्पेशली सिंगताम के बारे में भी बहुत सोचते रहता हूँ, क्योंकि सिंगताम के ऊपर हमने वीडियोस कई बार बनाए हैं। आप लोग ने मेरे चैनल में अगर देखे नहीं है तो देख सकते हैं वीडियोस, तो वहाँ पे भी जाके देखने की इच्छा लगता है। पर ऐसे सिचुएशन में मैं क्या दिखाऊँ जैसा भी होता है, क्योंकि सच कहूँ तो व्लॉग तो मेरे को करने की इच्छा नहीं लगता है गाइस, किसी के दिल में लगेगा हम लोग व्लॉग करते जब, तो यूजुअली एक अच्छा सा जो पॉजिटिव मैसेज है, जो पॉजिटिव चीज़ है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया ऑन द स्पॉट में कुछ दिखा है तो दूसरी बात रहती है दोस्तों, पर जब ऐसा नेचुरल कैलमिटीज आता है, जब किसी के यहाँ पे डेथ होता है, मैं दिखाता नहीं, आप लोगों को तो पता ही है, मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। पर अभी सिचुएशन किस तरीके से हो चुका है भैया वहाँ ग्राउंड जीरो चुंगठांग में, तो सब आज इस वीडियो में देखेंगे गाइस, उनसे बातें करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं वो भी पता करेंगे। तो चलिए जो वीडियो कॉल उनके साथ में बात हुआ था उसे कनेक्ट करता हूँ आप लोगों के साथ में और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे साथ में है अभिषेक दा, और उनको यहाँ पे हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू है, और साथ साथ में उनको बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। सो अभिषेक दा आपको बहुत बहुत थैंक यू है यहाँ पे आने के लिए, और उनसे शुरुआत करते हैं दोस्तों कि वो किस तरीके से यहाँ जो चुंगठांग है वहाँ पे पहुँचे, रोड का एक्सेस कैसा है और क्या है, आप लोग देख तो रहे, थोड़ा सा उनके थ्रू से भी सुन लेते हैं। तो अभिषेक दा थैंक यू सो मच, और थोड़ा गाइड कर दीजिए। इधर चुंगठांग पहुंचने, गैंगटॉक से चुंगठांग पहुंचने में हम 13 तारीख को आए थे। तो हाँ जी 13 तारीख को तो कुछ बोला आपने? ना ना हाँ जी बोला। 13 तारीख को आए थे। जोंगू से, जो जोंगू है हाँ नॉर्थ जी सिक्किम में, जोंगू में एक ब्रिज है जो वॉशआउट हो गया था, टीस्टा अच्छा ब्रिज। हाँ जी हाँ, तो उधर टेम्पररी बेम्बू ब्रिज लगाया तो हाँ जी वो क्रॉस कर उधर से आपको कम से कम 2-2.5 घंटे इधर चुंगठांग आना पड़ेगा। अच्छा मगर चुंगठांग का जो एंट्री है वो एंट्री का ब्रिज ही जो वॉश अवे होने के कारण से, हाँ जी उधर भी बेम्बू ब्रिज है, तो अच्छा वो क्रॉस कर हम लोग 13 तारीख को चुंगठांग पहुंच गए थे। अच्छा तो ऐसे तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनके थ्रू से दोस्तों कि किस तरीके से वहाँ का एनवायरनमेंट देख रहा है, फिर भी जो लोकल है और जो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें आप बता दीजिए। आप जिस जगह पर मैं खड़ा हूं तो हाँ जी आप ये देख सकते थे, देख सकते हैं कि ये सारे बिल्डिंग्स थे जो हाँ जी हाँ जी ग्राउंड ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल में है। तो अच्छा फ्लो उधर से होकर जो टिस्टा का ग्लेशियर जो आउटबर्स्ट हुआ था हाँ जी उसका पूरा फोर्स इस अरे तरफ बाप से आ रे, गया है। बहुत ही डरावना दिख रहा है मतलब। और ये तो आपका ऐसा लग रहा है कि रिवर रिवर के ही पास में ये है। जो आपको दिखा रहा हूं मैं इधर, हाँ जी ये फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड अच्छा, फ्लोर नहीं है। तो और फर्स्ट फ्लोर है ये। यार जी, तो इसके नीचे भी हाँ जी आपको
कमरा मिल गया। अरे बाप तो ये रे, दबा हुआ है, रिवर ये आपका जस्ट रिवर के पास में है? के पास में नहीं है ये, देखिए आप, ये बिल्डिंग के बीच बीचों बीच आ गया है, अच्छा जैसा आया हुआ है, हाँ जी जो इस तरफ मैं बिल्डिंग वगैरह दिखा रहा हूँ, हाँ जी ये सारे एक्चुअली सब एबंडेंट हाउस है अभी। हाँ जी तो और लाइक यहाँ पे पब्लिक जो लोकल थे उनको कितना नुकसान हुआ, जो लाइफ में नुकसान हुआ? लाइफ का ऐसा है, जो इधर जो तुंगतांग डैम होने के वजह से हाँ जी इधर लगभग वो जो मॉक ड्रिल होता है हाँ जी हाँ आपका, वन सिस्टम और मॉक ड्रिल है, जी वो पहले से ही मतलब वाकिफ है इधर का, जो लोकल लोग है हाँ जी तो उनको मॉक ड्रिल वगैरह पहले से ही करवाया हुआ था। तो उतना जो लाइफ का नुकसान उतना नहीं हुआ, क्योंकि उन अलार्म लगभग आधा घंटा पहले ही आ गया था, तो हाँ जी ऑलमोस्ट अच्छा आधा घंटा के अंदर ह्यूमन मतलब जो आदमी लोग है हाँ जी हाँ वो थोड़ा सेफ जगह पर इवैक्यूएट हो गए थे तब क्या व्यूज है दोस्तों, आप तक। यहाँ पे देख रहे हैं। तो और मैं आपको इधर इसलिए लेकर आया ताकि हाँ जी आप देख सकते हो कि कैसे दो दो बिल्डिंग के बीच में ये गाड़ी घुस गया है हाँ पानी जी के बहाव से। तो अरे बाप रे बाप, हाँ जी दिखाई दे रहा है। ऊपर ऊपर से आकर हाँ जी घर घर में गाड़ी अंदर घुस गया। तो ये सब बैरन लैंड है। पर जो उनको पहले से ही उनको जो मॉक ड्रिल्स करा रहे थे उसके वजह से थोड़ा सा जो जान है उसमें उतना नुकसान नहीं हुआ। तो वार्निंग सिस्टम के बारे में वाकिफ है हाँ जी अच्छा तो वार्न किया, तो सब लोग अपने अपने घर से हाँ जी निकल गए थे। ये कई लोग मतलब हाँ जी वो लोग अभी तक मिसिंग है या थोड़ा बहुत डेथ गेट हो। हुआ है। तो आप जैसे यहाँ पे आए, आप तो शायद गवर्नमेंट के थ्रू से आए, तो कुछ उसके बारे में बता सकते हैं, आप किसके थ्रू से आए हैं? हम तो वॉलंटियर के रूप से आए हैं एक्चुअली, हाँ गवर्नमेंट जी के नहीं, अच्छा अच्छा मगर जो गवर्नमेंट का रूलिंग पार्टी है हाँ जी एसकेएम पार्टी, हाँ जी हाँ जी अच्छा तो उनका वॉलंटियर ग्रुप है, हाँ तो जी हम लोग इससे जब भी ऐसे कोई घटना होता है हाँ जी तो हम लोग रेस्क्यू अथवा ओके रिहेबिलिटेशन या रिबिल्डिंग प्रोसेस के लिए हम लोग आते हैं। तो आप लोग अभी कर क्या रहे हैं यहाँ पे? तो फिर जो आप लोग का अभी ऑब्जेक्टिव तो दिन था। भर कल 2 दिन से ब्रिज बना रहे थे हम हाँ जी लोग, हाँ जी तो आज कंप्लीट हो गया है, ब्रिज अच्छा कंप्लीट भी हो गया और ओपनिंग भी हो गया। ओपनिंग भी हो गया, मतलब लाइक वो ब्रिज कैसा ब्रिज है? वुडन ब्रिज, ओके गाड़ी पास हो सकता है उसमें? गाड़ी तो अभी टाइम लगेगा आपको, बहुत टाइम लगेगा अच्छा अच्छा गाड़ी वगैरह क्रॉस करने में। हाँ जी अच्छा टू व्हीलर्स या पर्सन? कर सकते हैं, अच्छा चल सकता है उसके उसमें, मगर हाँ जी अभी जितना है वो फुट ब्रिज ही बनाया हुआ है, क्योंकि 2 व्हीलर्स वगैरह का तो इधर इतना जरूरत नहीं है ना, आप हाँ जी समझ सकते हो ये पहाड़ी रास्ते में अभी इस वक्त 2 व्हीलर्स का कोई उतना मतलब जरूर उतना आवश्यकता भी नहीं है। तो हाँ जी ह्यूमन जो है वो लोग आवाज कर रहे हैं। मेन जो है कम्युनिकेशन हो जाए और लाइफ को सस्टेन कर पाए ऐसा ही। अभी तो आप अभी जहाँ पे चल रहे ये मार्केट एरिया हुआ करता था यहाँ पे? ये मेन मार्केट एरिया है, अच्छा मेन ये मार्केट एरिया लक्षों का मेन मार्केट एरिया है, हाँ जी ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, हाँ जी ये इधर का पुलिस स्टेशन था, अच्छा अच्छा बुराई जो चुंगथांग पुलिस स्टेशन है वहां आ गया हूं मैं। तो ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते कि यहाँ पे जो लाइफ नॉर्मलाइज होने में कितना टाइम लगेगा? 1 साल 2 साल? नॉर्मलाइज होने में लगेगा, हाँ जी, तो 2-3 साल तो लगेगा दो ही, तीन साल लग जाएगा ना? क्योंकि वैसे तो तो ये पहले इधर ब्रिज
ब्रिज था, ये मेन रोड है हाँ जी और ये मेन मार्केट था, अच्छा तो ये पूरा वॉश आउट कर दिया है। इधर इधर से कनेक्ट होने का ब्रिज था, हाँ जी तो ये ब्रिज वॉश आउट होकर अभी आदमी लोग फुटब्रिज बनाया हुआ है। हाँ जी तो थ्रू फुटब्रिज आप जा सकते हो, मतलब रिवर पार कर सकते हो। ये देखिए वो, अच्छा इतना नीचे रिवर बेड, रिवर तो बहुत नीचे है आज ही, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि रिवर जो है हाँ जी यहाँ तक आ गया था। हाँ जी वही तो, मतलब यहाँ यहाँ से भी ऊपर की तरफ में यहाँ और तक आ गया था। तो आप नीचे छोटा छोटा जो, हाँ जी ध्यान से देखिए, छोटा छोटा जो फुट ब्रिज है, हाँ जी तो उधर से क्रॉसिंग हो रहा है, और जो पहले का इधर से जो आपको रोड दिखाई दे रहा है, हाँ जी ये रोड था एक्चुअली, ये रोड होते हुए ये ब्रिज था सीधा, इधर से ये चुंगथांग का एंट्री था। अब हम लोग तो अभी यहाँ पे बैठ के सोच रहे, पर उस रात जो वहाँ पे थे उनको कैसा हुआ होगा, इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशन में जब। और मैं आपको और एक चीज ध्यान से देखिए, वो डैम है, हाँ जी डैम तो टूट गया है, हाँ जी हाँ जी मगर डैम के बीच में से वो पत्थर कैसे अब तो, अंदर घुस गया हाँ है, जी वही तो, तो पत्थर बहते हुए अंदर घुसा है, और पत्थर का साइज देखिए तो आप अंदाज लगा सकते हो कि कितना भयानक रूप से पत्थर और वही ये तो, बलुए वगैरह के साथ पानी आया था। दिखाई दे रहा है हाँ आपको? जी हाँ जी दिखाई दे रहा है, मतलब लेक पानी का लेवल उस हाइट से भी ऊपर में था, इमेजिन कर सकते हैं, से बोलिए, पानी का लेवल उस हाइट से भी ऊपर में था, उसका मतलब पानी का रिवर लेवल इधर तक आया था। हाँ जी तो रिवर तो एक्चुअल रिवर का जो फ्लो है वो इतना नीचे है। हाँ जी तो तो आप देख ऐसे, सकते हैं वो वैली के थ्रू, हाँ जी तो वैली ये पूरा ऐसे पानी बहकर हाँ जी इधर आ गया था, और इधर से होते हुए ये पानी चला गया, हाँ जी और नीचे आपको पता ही है जोंगू, डिक्चू, सिंगताम, सिंगताम, हाँ जी रंफू से लेकर टिस्टा तक जो ये इधर से बहाव आया था, हाँ जी उसने डिवास्टेशन मचा दिया सिक्किम में और वेस्ट बंगाल के कई हिस्सों में। ऐसे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो क्या कर सकते, कोई तरीके से हेल्प करने का तरीका है, मैन पावर चाहिए कि, हेल्प करने का तो मतलब हेल्प ऐसे इधर आप देख सकते हो, हाँ तो जी आदमी वगैरह आने से रिलीफ मटेरियल वगैरह आ रहा है आज, बहुत हेलीकॉप्टर का शॉर्टेज भी हुआ अच्छा रिलीफ मटेरियल और एसेंशियल आइटम का, हाँ तो जी ये कौन करता मतलब सरकार कर रहा है ना, हाँ जी तो अगर और सरकार कर रहा है, और ये मोस्टली थ्रू चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से ही आ रहा है, अच्छा अच्छा चीफ जो भी मिनिस्टर रिलीफ मटेरियल आ रहा है चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से ही आ रहा है, अच्छा तो कोई भी मतलब फाइनेंशियल जितना भी हो हाँ जी है ना, तो मतलब जितना भी हो जितना आदमी कर सकता है वो डाल सके चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में, हाँ जी उसमें एक क्या बोलते हैं आपको QR कोड वगैरह है, तो मैं QR कोड आप वैसे भी सर्च करने में मिल जाएगा आपको कहीं भी। हाँ जी ठीक है, मैं अगर मेरे से भी होगा तो मैं भी देख कर यहाँ पे डालने की कोशिश कर देता हूँ QR कोड, नहीं तो लिंक मिलेगा तो वो भी डाल दूँ। ऐसे आपने हमें बहुत कुछ दिखाया आवश्यकता, क्या आप अपने तरफ में कैमरा थोड़ी देर फेस कर सकते हैं? तो थैंक यू आवश्यकता, आपको बहुत बहुत, आपने हमें बहुत कुछ दिखाने के लिए यहाँ पे आइडिया दिया, और साथ साथ में जो तरीका है जिससे हमें वो रिलीफ में हेल्प करने का मौका मिलेगा वो भी आपने बता दिया। तो आप यहाँ पे जब पहुँचे तो आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा फीलिंग्स हुआ, आप बता सकते हैं? इधर चुनाव आने के बाद हाँ जी, जिस दिन आप पहुँचे तो आपको कैसा फील हुआ? देखिए ये मतलब जो स्केल ऑफ डिवास्टेशन है हाँ जी उसको जब आदमी फेस करता है हाँ जी तो ये फीलिंग का सोच नहीं आता है,
करना है वो करना है। तो जी अभी सही हम क्या जो इधर का रहने वाले आदमी लोग है उनको भी अभी हेलो हेलो उसके बाद बहुत कोशिश किया गया इसकी यहाँ पे उनके साथ में कनेक्ट किया जाए। ऐसे हमने बहुत कुछ तो सुन चुके थे, देख चुके थे उनके थ्रू से, बस उनको थोड़ा सा थैंक यू कहना था कि उन्होंने हमें वहाँ पे एक जो ग्लिम्स हो रहा है वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है सिचुएशन, उस तरीके का एक हमें विजुअल्स देने में उन्होंने हेल्प किया, हमें आइडिया दिया। और साथ ही साथ ये भी पता चला कि हमें हेल्प करना है तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में किया जा सके। ऐसे मैंने QR कोड तो डाल दिया हूँ, पर फिर भी एक बार अपने तरफ से भी आप लोग देख लीजिएगा गाइस कि ये QR कोड सही है कि नहीं। मैं ऐसे चेक तो किया हूँ, वहाँ पे दिखाया सिक्किम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के बारे में दोस्तों, पर फिर भी आप लोग भी एक बार श्योर हो के वहाँ पे करेंगे तो सीधा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाएगा। और ऐसे इस सिचुएशन में मैं और तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ दोस्तों, बस यही है कि आप लोग प्रेयर कर दीजिए कि वहाँ पे जो सिचुएशन है लाइफ जितना जल्दी हो सके नॉर्मल हो सके। और नॉर्मलिटी हम नहीं कह सकते क्योंकि जान का जिनका नुकसान हुआ है, जिनका परिवार वाले अपने से बिछड़ गए, जो वो दुख सह रहे वो जिंदगी भर रहेगा गैस, और उनके लिए हम भी सदा दुखी रहेंगे, पर क्या करें गैस। आप लोग जस्ट प्रे कर दीजिएगा और दोस्तों चले यहाँ का विदा इसी में क्लोज करते हैं। जो बन सकता है जो हो सकता है करेंगे। आप लोग कमेंट्स करें मुझे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ कैसे किया जा सके, क्या क्या हो सकता है दोस्तों। और सपोर्ट देते रहिएगा दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट होगा तो उसके थ्रू में मैं आप लोग को बोल सकूंगा कि ऐसा ऐसा करना है, क्या कर सकते हैं। तो वो सपोर्ट दिखाने के लिए आप लोग का लाइक शेयर और कमेंट शेयर दोस्तों, जिसके थ्रू से लगेगा कि हाँ आप लोग मेरे साथ में हो, और ऐसा कोई चीज़ आने पर हम एक दूसरे के साथ में बातें करके डिस्कस करके वहाँ पे क्या किया जा सके, उसमें कुछ हेल्प कर सकते कि नहीं, वैसा डिस्कस हो सकता है दोस्तों। तो दिखाइएगा आप लोग का जो सपोर्ट है गाइस। तो चले वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ गाइस, आप लोग ने तो देख ही लिया। और चले गाइस क्लोज करते हैं आज इस वीडियो के यहीं पे।